अगर दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू और मुझे स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढना है, स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढना है, तो इट इज वेरी नेचुरल फॉर यू टू अंडरस्टैंड गाइस। अगर ये हॉरिजॉन्टल है ये पॉइंट, मतलब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये एक्स वन कॉमा जीरो होगा और ये वाला एक्स टू कॉमा जीरो होगा। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बता सकते हो क्या क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन विल बी द और वाई टू बेस, माइनस वाई टू माइनस वाई वन वाई विल बी द हाइट। तो टेन थीटा क्या होगा इस क्वेश्चन में? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। यस, सो दैट इज हाउ दैट हैज बीन डिराइव्ड। द सेम टेन थीटा इज बेसिकली वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तुम लोगों को कुछ समझा नहीं तो भी फिलहाल के लिए ये रटना इंपॉर्टेंट है। स्लोप इज बेसिकली गिवन एज टेन थीटा, थीटा इज नोन, और इट इज गिवन एज वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इफ पॉइंट्स आर नोन। सो दोनों भी पता होना चाहिए। ओके, राइट इट डाउन फटाफट। ये स्कूल में किया होगा बट हम लोग थोड़े क्वेश्चन करेंगे। वंदन, दक्ष, तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? सर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछो यार, नए नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हर लेक्चर में, नया सब कॉन्सेप्ट। कुछ समझा नहीं तो पूछा करो, ये मत सोचो कि कुछ डाउट पूछूंगा तो सर 3 लेक्चर पहले का पूछेंगे वापस। सच बताओ कितना परसेंटेज तुम्हें समझ में आता है ऑनलाइन लेक्चर्स में? सर आप पढ़ाते हो तो 100 ऐसा नहीं, मतलब इन जनरल तो फिफ्टी थियोरी परसेंट वाइज सब समझ में आता है, बाकी सम का डिपेंड करता है कि किस डिफिकल्टी लेवल का लाइक मॉड्यूल वगैरह तो जेन्यूनली टफ है, वो ऑफलाइन है। लेक्चर देख होगा तो भी मॉड्यूल टफ ही लगेगा। हेमंत सर के क्लास के कुछ एक दो सम जो होते हैं वो टफ लगते हैं, तो फिर उसको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी इन जनरल समझ में आ जाता है कंसेप्ट। फिजिक्स में अच्छे सम्स सर होते के हैं, फिजिक्स क्लास में थोड़ा दिक्कत होता है अभी में भी तो। लेंदी लेंदी सम्स होते हैं मस्त। मजा आता है दिमाग पढ़ाना है उसमें तो। ओके ये श्योर देन, बाकी बाकी लोगों का भी लिख के हो गया? नौ से दो नमस्कार। श्योर। हाँ सर हो गया। ओके नेक्स्ट। अगर कोई लाइन, कोई लाइन का स्लोप जीरो हो सकता है क्या? कौन हाँ हो सकता है हाँ, से लाइन का एक्स स्लोप जीरो एक्सिस होगा? पैरेलल यस यस, एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप जो है वो जीरो होगा, दैट इज राइट। अच्छा, और व्हाट अबाउट इसका भाई वाई एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस? नॉट टू फाइव वाई एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस। तो क्या बता रहे हो स्लोप कितना होगा? अनडिफाइंड है ना यस, पैरेलल अनडिफाइंड रहेगा। क्यों अनडिफाइंड रहेगा? इनफिनिटी यस यस, बिकॉज टैन ऑफ 90 डिग्रीज इज नॉट डिफाइंड। टू बी मैथमेटिकली एक्यूरेट यू आर राइट, इन्फिनिट नॉट डिफाइंड इज मोर एक्यूरेट, बट ऑफनली समटाइम्स वी जस्ट राइट इट एज इन्फिनिटी ऑल्सो, बिकॉज टैन 90 डिग्रीज को कभी कभी इन्फिनिटी बोल देते हैं, बट स्लोप इज बेसिकली नॉट डिफाइंड इज द करेक्ट आंसर। वाई एक्सिस हो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, नाउ अदर देन दैट, इफ अ लाइन मेक्स
इक्वल इंटरसेप्ट्स, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स तो स्लोप क्या रहेगा? वन रहेगा। क्या रहेगा? वन रहेगा। ओके ओके, कैन एनीबडी कंफर्म? अच्छा, सबसे पहले डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट क्या होता है? अभी जहां पे भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट, और जहां पे भी वाई एक्सिस को कट करेगा दैट इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। पहले ये लैंग्वेज समझो। अभी यहाँ पे एक ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं जिसका इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है। तो एक्स इंटरसेप्ट को कुछ गेस कर लेते हैं। कोई वैल्यू बता सकते हो क्या एक्स इंटरसेप्ट का? x1, 0 और आई कैन जस्ट टेक सम नंबर 5, 0 फॉर एग्जांपल। अगर ये 5, 0 है तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? 0, 5 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इक्वल इंटरसेप्ट है। 0, 5 और 5, 0 दो पॉइंट्स है तो स्लोप बता सकते हो क्या क्या होगा? माइनस है। क्योंकि हमें दो पॉइंट्स पता चल गए। 0, 5, 5, 0 का स्लोप अगर पूछे तो y2 - y1 तो 0 - 5/5 - 0 होगा। तो स्लोप कितना आ रहा है सिंपलीफाई होके? -1। ये फॉर्मूले निकाले बिना भी तुम्हें फील नहीं आ रहा क्या कि इसका स्लोप -1 होगा? 45 डिग्री वाला लाइन कैसे रहेगा? अगर एक x इंटरसेप्ट 5, 0 है तो y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है? y इंटरसेप्ट कैन बी 0, 5 और -5, 0, -5 आल्सो, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों भी पॉसिबल है। समझे क्या? लेंथ से मतलब है, हमें लेंथ सेम होना चाहिए। तो सेकंड राइट साइड के सिनेरियो में स्लोप कितना होगा? -1 मतलब मतलब आपने बोला ना लाइक लेंथ इक्वल होना चाहिए तो फिर 5, 0 और फिर 5 इंटरसेप्ट होगा 0, 4 स्टार्टिंग में इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू सेम होना चाहिए, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? क्या बताया मैंने? यस। ठीक है, इसको लिख लेना और डाउट है तो पूछो जरूर। सर आपने इक्वल लेंथ नहीं लिखा। क्या इक्वल? राइट साइड में नहीं लिखा। अच्छा इक्वल वर्ड ही, सॉरी सॉरी। Thank you. Equal length of intercepts. That was more important.
फाइव का फाइव ही होना चाहिए वेदांत, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम लेंथ का होना चाहिए। क्या वेदांत क्लियर हुआ क्या डाउट? सेकंड केस के लिए पूछ रहा था ये लाइन प्लस माइनस फोर नहीं हो सकता, एक्स इंटरसेप्ट फाइव रहेगा तो वाई इंटरसेप्ट फोर नहीं हो सकता। हो गया तो बताओ, हो गया सबको आगे लिख के शेयर सर? आज अपन देरी में हो ना? हाँ यार आ रहा है क्या? मैं तो रोज आता हूँ सर, एक एक बजे का कुछ तो 1-3:30 कुछ तो डाउट्स है या मुझे तो कुछ तो रिपीटर्स बैच का लेक्चर है ऑफलाइन करके हो रहा है। हाँ वो दो भैया है उसमें। अच्छा दो लोग है क्या? हाँ जानता है क्या तू उनको? हाँ मिला था मैंने दो से मिला। बता दो हो गया तो? कैलेब ऑफलाइन क्लास में प्लान तो यह है कि कुछ रिवाइज कराऊं, डाउट्स है तो डाउट्स लेके आ सकता है जरूर। ठीक है सर। डाउट्स है तुझे कि नहीं है? क्या है? है ना सर। तो लेके आना। ठीक। अच्छा क्या सर आपको पता है आप कहाँ कहाँ आओगे? मुझे नहीं पता वो, बट इस हफ्ते का पता है कि कहाँ का लगाया है मेरा। तो सर आप पूरा तो लोगे मेरी मैच? ओशिवारा ब्रांच, ओशिवारा ब्रांच कौन सा ब्रांच होता है जीवतेश? नहीं सर वो एक है ना अंधेरी वाला? नहीं 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 अरे विनीत जिसमें उसका नाम क्या है? जासूसी करता रहता है दूसरों के फोन के कन्वर्सेशन। नहीं वो तो वो जोर से बात कर रहे थे ना सर, 4,000 rupees का ऐसे सुन के गॉसिप बता रहे मुझे कि क्या फाइन लगा। उन्होंने खुद बताया कि 4,000 rupees का फाइन लग गया था। अच्छा अच्छा फाइन क्यों लगा? अभी तो अलाउड है ना। अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा शायद। कल गोपर खेलने में तो 25-30 स्टूडेंट्स आए थे क्लास, मतलब पूरा प्रॉपर क्लास ही हो गया था उनका। एवेंचुअली तुम लोगों को भी बुलाएंगे शायद ना? हां सर जब तक वो गांधीवली का तो कॉलेज का लग रहा था तब तक तो बुला ही लेंगे। हाँ टीपी पाटिया तो बहुत बहुत ही बड़ा है, बड़े बड़े क्लासरूम है तो उसमें तो बुला सकते ही है। अब उसमें भी तो 16-20 को बुलाते हैं तो और ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं इस व्हाट आई एम सेइंग। क्लासरूम काफी बड़े है ना? हाँ अराउंड लाइक नॉर्मल सिटिंग 70 तक का होगा। ओके ओके अच्छा ये वाले स्कूल में थोड़ा बहुत किया होगा बट स्टिल आई जस्ट वांट टू ब्रश इट टू यू। अगर दो लाइन से पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द स्लोप्स? इक्वल स्लोप्स। इक्वल है। इट्स अ वेरी स्मॉल जस्टिफिकेशन। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? दे आर इक्वली इंक्लाइंड।
यस इक्वली इंक्लाइंड है, पहले का थीटा दूसरे का थीटा सेम है तो tan थीटा सेम है. अच्छा व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सम इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 नेगेटिव प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस सम इज नॉट माइनस 1 प्रोडक्ट इज माइनस 1 यस तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्लोप्स विल बी माइनस 1 व्हाट इज द रीजन रीजन यह है कि अगर पहला लाइन इंक्लिनेशन के हिसाब से ही ढूंढना है, पहला लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा थीटा प्लस 90 होगा दैट इज राइट. दूसरे का हो जाएगा थीटा प्लस 90 तो पहले का स्लोप हो जाएगा टैन ऑफ थीटा तो दूसरे का होगा टैन ऑफ 90 प्लस थीटा. व्हाट इज टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है तो एक का स्लोप tan थीटा होगा तो दूसरे का माइनस cot थीटा होता है तो इसीलिए प्रोडक्ट माइनस 1 है. फिलहाल के लिए समझ लो डिटेल्स की जरूरत नहीं. इफ टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस टू एक्सिस बट नॉट पैरेलल दे आर इक्वली इंक्लाइंड बट दे आर नॉट पैरेलल ऐसे कैसे हो सकता है दोनों एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं लेकिन पैरेलल नहीं है सर ऊपर नीचे होगा मतलब लाइक रिफ्लेक्टेड अगर एक लाइन ऐसा है थीटा एंगल ऐसे बना रहा है तो दूसरा लाइन कैसे होगा पैरेलल नहीं है बट एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है यस तो सही करो इस डायरेक्शन से थीटा हो सकता है तो अगर पहले का स्लोप एम वन है तो एम वन विल बी टैन थीटा दूसरे का स्लोप एम टू है तो M2 क्या होगा माइनस थीटा ये एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा नहीं 180 माइनस थीटा इज राइट कैसे 180 माइनस थीटा इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये थीटा होगा तो और कौन सा एंगल थीटा है वो जो M2 का लेफ्ट साइड वाला ये वाला थीटा है तो M2 वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा कितना होगा माइनस टेन थीटा तो एक स्लोप एम वन है दूसरा स्लोप एम टू है तो क्या रिलेशन है नेगेटिव हो जाएगा ना एम टू हाँ या एम वन प्लस एम टू विल बी जीरो एम वन प्लस एम टू विल बी जीरो ये समझा क्या यस सर ओके ओके जगह कम पड़ रही है फटाफट इसको लिख लो ओके डन नो सर बस वो राइट वाला यस सर ओके ओके सो हम नेक्स्ट okay next scenario is difficult to predict but still
ये वाला, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. सबसे पहले व्हाट डज कॉन्साइक्लिक मीन? कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या? मतलब वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाइक करेंगे. यस, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाइक करेंगे. अभी सिचुएशन ऐसा है कि दो लाइंस है, दो लाइंस, पहला लाइन कई दो बार कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, दूसरा लाइन भी दो बार कट करेगा, और ये चारों लाइन चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट ए बी सी डी, वो चारों के चारों को एक सर्कल पे लाई करना चाहिए. ए बी सी डी फोर पॉइंट्स, ऑल ऑफ देम हैव टू लाई ऑन अ सर्कल. तो पहला स्लोप अगर एम वन है, दूसरा स्लोप अगर एम टू है, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि एम वन और एम टू में क्या रिलेशन होना चाहिए. ओके, इसको डिराइव करने के लिए ना एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम लोग. अभी फॉर एग्जांपल ए बी लाइन का इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा अगर है, तो वेरी नेचुरल स्लोप वन कितना हो जाएगा? टैन थीटा. ओके, नाउ डू यू नो दैट इन ए सर्किल एंगल इन ए सेगमेंट इज ऑलवेज द सेम? और कौन सा एंगल थीटा होगा? BDC. ये जो BC सेगमेंट जो है वो थीटा सबटेंड कर रहा है A पे, तो यस दैट इज राइट. और कौन सा एंगल थीटा होगा? BDC. ये एंगल थीटा होगा. अभी देखो M2 के लिए देखो, ये जो लाइन है CD वाला लाइन, वो Y एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो X एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा. तो x एक्सिस के साथ मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा 90 माइनस थीटा, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? टैन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा. टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा फिर? टैन थीटा. कॉट थीटा. अच्छा, टैन 90 माइनस थीटा टैन थीटा ही है. सो फिर स्लोप वन स्लोप टू में क्या रिलेशन है? हो जाना चाहिए. चारों के चारों स्कूल में थे कि नहीं, बट ये अब से याद रखना पड़ेगा. ये नहीं रहेगा आई एम गेसिंग. सर क्या आप ये वाला फिर से समझा सकते हैं? हाँ, युग क्वेश्चन समझाना है कि डिराइवेशन समझाना है? क्वेश्चन. कौन सा वर्ड नहीं समझा? चार फ्रेजेस लिखे है लेफ्ट हैंड से टॉप. फर्स्ट लाइन तो टू लाइंस, फिर नेक्स्ट वाला इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो भी क्लियर है. एट फोर पॉइंट्स मतलब व्हाट डज दैट मीन? मतलब ये और ये ऐसे करके दो है, तो ये चार पॉइंट हो गए ना. चारों में चारों पॉइंट एक ही सर्किल पे लाइक करना है. क्या क्या नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है? हाँ चलेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर ले, कुछ खास है नहीं. चारों पॉइंट्स एक ही सर्किल पे लाइक करना चाहिए. तो कोशिश कर रहे हैं क्या समझने के लिए? हाँ सर. तो समझा कि नहीं? हाँ सर, मतलब चार पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाइक करेंगे. यस, कोई भी चार पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाइक करेंगे क्या? ऐसा कुछ रूल नहीं है. कोई भी चार पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाइक करना कोई जरूरी नहीं है. जैसे कि तीन पॉइंट्स यहाँ पे और चौथा पॉइंट यहाँ दूर कहीं है, तो इन तीन पॉइंट से जो सर्कल बनेगा वो चौथे पॉइंट से पास करेगा क्या? नो सर. नहीं, तो चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाइक करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि दो लाइन से पहला स्लोप M1 है, दूसरा स्लोप M2 है, और वो चार पॉइंट्स A, B, C, D पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये चारों कॉन्साइक्लिक हुए, तो M1 into M2 equals to 1 का लॉजिक हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ओके सर.
सर तो मतलब इसको हम लोग ये प्रूफ करने के लिए भी कर सकते हैं ना कि अगर सर्कल का इक्वेशन नहीं पता, चेक करना कि चारों पॉइंट्स उस पे लाइक करते हैं। हाँ जरूर, सर्कल का इक्वेशन नहीं पता तो यू कैन यूज दिस, यू कैन इवन डिराइव इट फ्रॉम दिस और नॉट। क्या क्या सर्कल का इक्वेशन इससे डिराइव हो सकता है ये प्रॉपर्टी से? डिराइव कर सकते हैं बट देर आर इजियर मेथड्स टू डिराइव द सर्कल का इक्वेशन। तो इधर है, लिख के हो गया तो बता ना। श्योर, डन सोहम, और कोई? यस सर डन। ओके एक मिनट, हार्ड ओके एक मिनट, किसी ने बोला आई जस्ट वेट। ओके I'll give 2-3 questions, तुम लोग अभी try करना, खुद के speed से करो, easy questions है, just try to use the formula, आज जो पढ़ा है सिर्फ उसी के ऊपर है questions, slope tan theta होता है, दो points दिए है तो slope होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द स्लोप जॉइनिंग द पॉइंट्स, इफ द स्लोप जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड 2,k इज 2। आंसर से याद नहीं है, विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। सर ये थर्ड वाला क्वेश्चन आई गेस उसमें था क्यूमुलेटिव टेस्ट फलक से मिला। ओके ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल से कर सकता था। हां बट मैंने वो यूज किया, स्लोप से फास्टर है।
सोहम करेक्ट है, यशवर्धन आई डोंट नो किसका आंसर भेजा तूने, कैलब करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है, जीवदेश करेक्ट है, यशवर्धन गलत है, जिनेंद्र करेक्ट है. अमितेश फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्षितिजा सही, यू आर राइट. अमितेश आर यू देयर? हाँ यशवर्धन करेक्ट है, क्षितिजा करेक्ट है, आर्या गलत है, जरार करेक्ट है, जरार करेक्ट है अगेन. अभिनव नहीं यार. अमितेश आर यू देयर? ओके अभिनव क्या किया, व्हाट इज द प्लान? क्या कर रहा है अमितेश, थोड़ा जल्दी बताएगा क्या? क्लास का भी टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है. माइक अनम्यूट करके बात कर ले. माइक ही नहीं है, पता नहीं क्या, मुंबई में रहता है, कहाँ रहता है. स्लोप जॉइनिंग टू पॉइंट्स कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? आयुष कैलब करेक्ट है. आयुष अभिनव बता सकते हो क्या फर्स्ट वन क्या कर रहे हो? सर वो वाई टू माइनस वाई वन किया सर बस. हाँ तो वाई टू माइनस वाई वन क्या हो जरा बताना डिटेल में. सर के माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू माइनस फोर. टू माइनस फोर क्यों? माइनस थ्री मंगे भाई. यस सर थ्री सर. टू माइनस थ्री, फिर ढंग से कर आंसर करेक्ट बता. ये क्या किया अमितेश? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दो पॉइंट्स दे रखे तो स्लोप ऐसे ढूंढते हैं. आज पूरा क्लास सो रहा था क्या सुबह से? स्लोप कैसे ढूंढते हैं दो पॉइंट्स दिए तो? और स्लोप दे रखा है क्वेश्चन में कर रहे हैं तो इक्वल करो यार. बहुत इजी है यार अमितेश, तू इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व इट हाउ विल यू गेट इट? तो जस्ट वेटिंग की सर सॉल्यूशन बता देंगे, क्लास खत्म हो जाएगा. है अदर देन अमितेश और किसी को डाउट है क्या कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन? ये तो स्कूल में भी कराते होंगे इतना इजी. स्कूल नहीं किया मान के ही पढ़ा रहा हूं, और इस यहाँ पे भी नहीं पढ़ रहा है तो कैसे होगा? तो यस यस फर्स्ट का आंसर टू है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं आगे. अमितेश कल तो नोट्स लेके आ, स्किप मत कर दे ये बोल के कि काम है, सेंटर आना. k माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना किया, टू किया. तो क्या कैलकुलेशन कर रहा है, k माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस वन इज इक्वल टू टू. तो k माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू, तो k इज इक्वल टू फोर माइनस टू टू आएगा. नाइन तो बहुत ही वियर्ड वैल्यू है.
Okay. Second question. That's also easy. We have to prove yes, that. Slope equal. Yes. We have to prove that the lines are parallel. Two lines parallel prove करने के लिए क्या prove करना है? समझो. और accordingly solve करो. That's right, Yug. Amitesh, अभी मैं तुझे disturb करना बंद कर दूंगा for the rest of the class. If you have doubt, you have to speak up. Okay. Second question. First दो points को join के एक line आया. Second दो points को join के एक और line आया. हमें ये prove करना है कि दोनों lines parallel है. सर slope से कर सकते हैं. जरूर slope से ही करो. That is only the fastest way. हाँ सर स्लोप से किया तो मेरा स्लोप इक्वल आया तो यस कितना आ रहा है स्लोप -3/7 आएंगे दोनों भी सिंस दोनों भी -4/7 है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर आई चेक द आंसर सही आई एम नॉट श्योर आई डोंट हैव द आंसर ऑफ द लास्ट वन वो रैंडमली क्रिएटेड क्वेश्चन था बट थर्ड क्वेश्चन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बोला है थर्ड क्वेश्चन में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बोला है तो यू नो व्हाट टू डू तीन पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो कंडीशन क्या होगा तीन स्लोप पॉइंट का क्या दो लाइन का इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेट अस डिस्कस दैट इज करेक्ट बट कैन यू जस्ट थिंक ऑफ एन एनी स्मार्टर वे तीनों का स्लोप इक्वल हां तीनों का मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप दोनों सेम होना चाहिए कोलिनियर हुए तो ठीक है दैट इज द फास्टेस्ट वे तो ए बी सी तीनों पॉइंट्स गिवन है ए बी का स्लोप ढूंढो बी सी का स्लोप ढूंढो और दोनों को इक्वल करो ए बी का स्लोप y2 - y1 / x2 - x1 किसी और का आंसर आया क्या आई कैन जस्ट वेरीफाई विद द आंसर सही है ये भी ले सकते हैं जिनेंद्र तेरा आंसर दिख 3 आया सही को कुछ और आ रहा है क्वाड्रेटिक नहीं आएगा क्या हाँ सही तेरा आंसर ही रेफरेंस मान रहा हूँ एक गड़बड़ किया ओके स्लोप ऑफ ए बी सर आई थिंक मेरा आंसर भी गलत है ओके क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा है इमेजिनरी रूट्स आ रहे क्या सोहम या इरेशनल रूट्स आ रहे हां सर इरेशनल आ रहे इमेजिनरी इरेशनल आ रहे तो दोज विल बी द आंसर
किसी का क्वाड्रेटिक आया क्या? हाँ सर आया ना, 9k² + 5k - 1 3k² आएगा शायद। हाँ हाँ प्लस 5k माइनस 14 14 तो k इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac कितना हो गया 12 × 14 168 This will be the answer. Some weird answer, but that is the answer. वेदांत तेरा मेरा डिफरेंट आ गया रूट के अंदर। हाँ हाँ सर मैंने वो 9 ले लिया, मतलब लिखा था वहाँ पे पर 9 ले लिया। अच्छा अच्छा वो 9 के स्क्वायर ले लिया क्या? माइनस 9 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। ओके इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब ये यहाँ पे तो प्रीटी वैल्यू नहीं आया बट एग्जाम में यूजुअली अच्छे नंबर्स आएंगे। चलेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, ये हो गया तो बताओ। हो गया सर। हाँ सर एक मिनट। हम लोग फर्स्ट लेक्चर नाश्ता करके अटेंड करते होंगे बिना नाश्ते के? डिपेंड करता है, बन जाए तो कर लेंगे या तो बीच में कर लेते हैं। ओह हाँ ड्यूरिंग द क्लास भी कर सकते हो उसमें क्या? हाँ सर अभी अगर एचपी सर का होगा तो क्लास के बीच में खाना पीना सब हो जाएगा। क्यों? अच्छा बहुत देर सोचने का टाइम देते हैं। हाँ सर बोलता भी नहीं है ये लोग, सब चुप रहते हैं। हाँ यार तुम लोग बोलते नहीं होते हैं, गिव अप भी होता है एज ए टीचर। हाँ ना सर अभी किस कोई वीडियो भी नहीं ऑन करवाया। हाँ वीडियो भी जिनेंद्र सही जीवते यशोवर्धन 4-5 लोग ही करते हैं। Yes, hi, Ashwarthan. Okay, good one, sir. और कोई डाउट है क्या किसी को? क्षितिजा और एनीबॉडी? देवल एक आंसर भी नहीं भेजा आज। Okay, Amitesh. Just try to learn. डाउट समझ भी नहीं आ रहे तो जरूर पूछा करो। सिया ऑल्सो but Sia talks less but solves more, that's what I have noticed. इधर next part, angle between two lines. ये भी easy सा ही part है, just a formality which I'm going to do and that will result in a very important formula. Okay. Angle between two lines. It's a very simple concept. इसके पहले you are basically given the slopes of the two lines. You are basically given that slopes of the two lines. But उसके पहले just very very simple. अगर पहला line का angle theta 1 है, दूसरे line का inclination theta 2 है, तो what will be the angle between the two lines? Theta 1 minus theta 2. Theta will be given as theta 1 minus theta 2. That is very, very natural. Theta 1 minus theta 2 will be the angle between the two lines. Achha, now, Now, theta 1 minus theta 2 will be the angle between the two lines. Now, further, but I am only given slopes. I am only given slopes. Matlab, slope 1, mujhe pata hai. Slope 1 is tan theta 1 and slope 2 is tan theta 2. Okay. Slope theta 1 theta 2 inclinations होंगे तो slopes will be tan theta 1 and tan theta 2. अभी theta 1 theta 2 को मुझे tan theta 1 tan theta 2 के terms पे कैसे लेके आऊं? दोनों side tan कर दो. tan कर देंगे. तो tan theta is equals to tan ऐसे distributive नहीं होता, tan of theta 1 minus theta 2 होगा. अभी हमें tan a minus b का formula use करना पड़ेगा. tan a minus b का formula क्या है? tan a minus tan b plus tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. इस क्वेश्चन में tan a मतलब tan theta 1, tan theta 1 will become m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Okay, so this is the formula of finding the angle between the two lines.
इस फॉर्मूले को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे हम लोग. अगर ये जस्ट तुम लोग, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो और दो लाइंस के बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री आया, कैन आई ऑल्सो से दैट द एंगल कैन बी 150 डिग्री ऑल्सो? मतलब ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल कोई पूछे तो क्या बताओगे, 30 बोलोगे कि 150 बोलोगे? 30 दोनों भी चलता है, बट टू बी बाय डिफॉल्ट की बात करें तो एक्यूट एंगल बाय डिफॉल्ट बता देते हैं कि छोटा वाला बता देते हैं 30 डिग्री. इन जनरल आल्सो जब tan थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमने गलती से ऑब्टूज एंगल ढूंढ लिया. टू अवॉइड दैट फॉर्मूले को थोड़ा और एक्यूरेट, पीपल राइट इट लाइक दिस. tan थीटा इज मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. मॉडुलस बिकॉज एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए ऑब्टूज को इग्नोर करके एक्यूट को कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए. ये समझा ना मॉडुलस? पर 150 कब लेना है? ऑप्शन में रहेगा तो बस 30 आएगा तो तू समझ जा 150 आया है. ओके सर. 150 भी आया है, एक ही बात है. ऑफ कोर्स हो गया तो बताओ. यस सर. ओके, रन ऑन दिस क्वेश्चन. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस Find the angle between the lines joined by 0, 0, 2, 3 and 2, minus 2, 3, 5. Find the angle between the two lines joined by 0023 and 2 minus 235. तो एक लाइन है 0023 को ज्वाइन करने वाला, एक और लाइन है 2 minus 2 35 को ज्वाइन करने वाला. तो हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जो इन दोनों लाइंस के बीच के है. पर्व समझ में आ रहा है क्या तुझे, पर्व पांचाल? हाँ सर. आंसर नहीं बताया एक भी आज तुझे, जल्दी करना. स्लोप वन स्लोप टू जल्दी ढूंढो. मैंने बता दिया वैसे, ठीक है. आई विल वेट फॉर 2 मिनट, गिव इट अ सिंसियर ट्राई. किसी को हिंट चाहिए क्या? एनीबडी इन द क्लास हु नीड्स अ हिंट? विवान, आई गेस इट्स रॉन्ग यार. अच्छा, ओ सॉरी सॉरी विवान, दैट इज करेक्ट, बट क्वेश्चन इज समथिंग एल्स. सो फॉर यू आर राइट. That's right, Soham. Accurately बताया Soham Udani. Yes, सही. आगे बताना numbers.
That's right, Caleb. That's right, Sai. Amitesh, सही है. The only thing is तुझे लिखने का तरीका शायद नहीं पता. सबसे पहले अमितेश, हाँ yes, that is the right way to write. Tan inverse, tan का power minus, मतलब tan inverse मतलब 1/10 नहीं है. Vedant is correct. जल्दी करो यार, पर अमितेश का हो गया. सर मेरा यशवर्धन, दैट इज करेक्ट. किसका जीवितेश, तेरा है क्या? तेरा आंसर मुझे आया ही नहीं. जीवितेश हाँ हाँ करेक्ट है, बस फर्स्ट आया तेरा आंसर. नेगेटिव मत ले. हाँ वो मॉड के अंदर है ना, वो अभी बाहर. हाँ हाँ यस, पर वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है. जिनेंद्र आल्सो रॉन्ग. हाँ यशवर्धन, हाँ बोला ना, फिर वापस से भेजा तुमने. दैट इज राइट युग. स्लोप वन कितना आ रहा है? 3/2 आना चाहिए. और स्लोप टू कितना आ रहा है? 7. 7. फिर tan theta का फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ 3/2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7. तो डिनोमिनेटर में 2 प्लस 21 आएगा. 3/2 और 7 प्लस है, देखना पर नेगेटिव कुछ भी नहीं है. और डिनोमिनेटर में प्लस आता है ऊपर माइनस. जिनेंद्र कितना आ रहा है? 3-14 आएगा ऊपर, 11 अपॉन 2+21, 23 आएगा. दैट्स इट आर्या, बहुत लेट बताया आज. आंसर tan थीटा इज 11/23 इज करेक्ट. तो एक्चुअली थीटा पूछा था, थीटा का वैल्यू क्या होगा फिर? tan इनवर्स. tan inverse 11/23, theta का वैल्यू tan inverse 11/23. tan को लेफ्ट साइड लेके अननोन एंगल आएगा, तो tan inverse करके चिपका सकते हैं. ओके, जो भी हो, आई होप पर्व एंड जिनेंद्र यू गॉट योर मिस्टेक्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटेड सॉल्विंग. ओके चले गए, एक और क्वेश्चन करते हैं. रेडन, ये इजी था कि टफ था? इजी. ओके इजी. रेडन, the angle between two lines, the angle between two lines is pi by 4. The angle between two lines is pi by 4. The angle between two lines is pi by 4. Full stop. If the slope of one of the lines is half, if the slope of one of the lines is half, find the slope of the other. If the slope of one of the lines is 1/2, find the slope of the other. दो आंसर्स आएंगे. आर्या सोहम, डू यू गाइस नीड हिंट और डू यू गाइस नीड टाइम टू सॉल्व?
श्योर श्योर, टेक योर टाइम. सही वन ऑफ देम इज रॉन्ग. ओम गलत है, जीवतेश एक गलत है, सोहम ऑल्सो एक गलत है. आयुष जैन आई थिंक यू आर राइट, वेरी नाइसली डन. कैलेब वन ऑफ, एक और भी रहेगा कैलेब, दो आंसर रहेंगे. हाँ सही, नाउ इट मेक सेंस. वंदन वेरी नाइस सर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर आंसर करेक्टली. क्या दे रखा है गाइस, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, इतनी सी बात है. एक मिनट और रुकूंगा मैं सर. मेरा वाला अब सही है क्या? जीरेंद्र करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है. क्या बोला, कोई कुछ बोल रहा था? सर जीवितेश पूछा था आंसर सही है क्या उसका नया वाला. सर मेरा आंसर सही है. हाँ कैलेब, दो आंसर्स रहेंगे कैलेब. क्या वो जीवितेश कंटिन्यूअसली एक बार बात कर, एक सेंटेंस. अब अभी भेजा है वो सही है क्या? हाँ जीवितेश करेक्ट है. सोहम एक नेगेटिव आएगा. यशवर्धन दो आंसर्स आएंगे. कैलेब दो आंसर्स आएंगे ना? हाँ सर दोनों भेजा है प्लस माइनस. नहीं वेदांत, थोड़ा एक मिनट और सोच. पाई बाय फोर मतलब 90 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री है. सर नहीं मैं रिजल्टेंट का बात कर रहा था. वो एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर रहेंगे. कैलेब नो, मिश्री बिल्कुल नहीं, आर्या दो आंसर्स रहेंगे, एक करेक्ट है, दो नहीं आ रहे हैं, सोहम करेक्ट है. क्या यशवर्धन क्या दो नहीं आ रहे हैं बताना. क्या पहले एक भेजा था, स्टार्ट कैसे किया? tan theta is equal to 1. tan theta is equals to modulus of 1. मॉड्यूलस को डील कैसे कर रहे हो? एक बार स्क्वेयर कर लेना इज ए गुड ऑप्शन. युग करेक्ट है, पर दो आंसर आएंगे. दिशा करेक्ट है, सोहम करेक्ट है, पर दो आंसर आएंगे. कैलेब एक नेगेटिव आएगा. इसके बाद स्क्वेयर कर रहे हो, दैट इज व्हाट यूनिवर्सली एवरीबॉडी इज सेइंग. तो स्क्वेयर कर रहे हो, मैं भी स्क्वेयर करूंगा. उसके पहले थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं लिख सकते मतलब बाहर? जरूर लिख सकते हैं दोनों में. अभी कौन सा इजियर है दैट आई एम नॉट कमेंट, दैट everybody has their own choice. ऐसे तो एक तरीका ये कि mod ही हटा के plus one के साथ एक बार equal करो, minus one के साथ equal करो. दूसरा तरीका है कि square कर सकते हो. one equals to one minus two m the whole square upon two plus m the whole square. quadratic equation आएगा. कैलेब कुछ गड़बड़ कर रहा है तू. सर मैंने एक बार plus one से equate किया और एक बार minus one से. अच्छा एक बार प्लस वन के साथ किया तो वन बाई थ्री आया. नहीं वहां पे माइनस वन बाई थ्री आएगा. अच्छा दो आंसर आएंगे, एक माइनस वन बाई थ्री और एक एक थ्री. ये दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? माइनस वन. सो व्हाट डज दैट मीन? Perpendicular to each other. Does it make sense in this question? Yes. मतलब एक line है, कोई तो line है जिसका slope half है, half वाला slope का line है. एक नया line ढूंढा हमने जो इस line के साथ 45 degree angle बना रहा है. ऐसे दो lines होंगे वो समझ आ रहा है क्या? हाँ, एक ऊपर रहेगा 45 degree और एक इस side रहेगा. और ये जो दोनों लाइंस ढूंढे, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही रहेंगे. रियलाइज दैट.
एक 45 इस साइड है, एक 45 उस साइड है, इधर है। थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं, ये वाला लॉजिक समझ में आ गया ना, दिस इज वेरी कॉमन लॉजिक। दो लाइंस दे रखेंगे, दोनों के बीच का एंगल रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा। दिस क्वेश्चन विल बी अ पार्ट ऑफ बिगर क्वेश्चंस इन स्ट्रेट लाइंस ओनली। सर बोलो। सर पर एक डाउट है कि दोनों का जो स्लोप है वो तो अलग है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब कैसे हो सकता है? दोनों का स्लोप्स तो अलग है, -1/3 और 3r। हाँ तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप्स इक्वल रहेंगे क्या? ऐसा किसी ने बोला क्या तुझे? नहीं सर, मतलब मैं ऐसा सोच रहा था। अच्छा ऐसा क्यों सोच रहा था? स्लोप्स इक्वल कब रहेंगे? जब दोनों पैरेलल हो। हाँ तो फिर परपेंडिकुलर रहेंगे तो क्यों मान रहा है? सॉरी सर भूल गया। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, कॉन्सेप्ट में नहीं, कैलकुलेशन में, व्हिच आई वांट यू टू एनकाउंटर नाउ ओनली। राइट डाउन, लेट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, लेट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस बी थीटा, लेट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस बी थीटा सच दैट थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ हाफ, such that theta equals to tan inverse of half. If the slope of one line is 2, find the other slope. If the slope of one line is 2, find the other slope. Once again, solve करने के पहले, can you guys just tell me कितने answers होंगे? दो। Yes, दो होना चाहिए। Logic समझो पहले कि दो होना चाहिए। एक ही आंसर। अरे अभी तो डिस्कस किया कि दो होना चाहिए। जिवतेश वो तो एक करेक्ट है, दूसरे में 2m2 दोनों इक्वल टू के इधर उधर है तो कट जाता है। ओके थोड़ी कुछ और नया ब्रेक थ्रू होगा तो बताना। हाँ सर देख रहा हूँ। सोहम कैलकुलेशन एरर है तेरा, न्यूमरेटर गलत आ रहा है। एक सेकेंड, युग करेक्ट है, आर्या आल्सो करेक्ट है, बट ओनली एक ही आंसर आया तुम लोगों का। ओके एक ही आंसर आएगा, 2m2 दोनों साइड का आंसर हो जाएगा। ओके शुड आई एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन और शुड आई वेट एनीबॉडी? सर एक मिनट थोड़ा। श्योर श्योर, जस्ट आस्किंग, टाइम चाहिए तो आई विल वेट। सर बस थोड़ा सा रुक जाओ। हां हां रुक ही रहा।
करना क्या है सबको समझ में आना चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ही करेंगे। ओम वहां तक तो करेक्ट है, एक स्लोप गिवन है, दूसरा स्लोप ढूंढना है और tan थीटा भी इनडायरेक्टली गिवन है, tan थीटा को बोल दिया 1/2। ओके, आर यू गाइस स्क्वेयरिंग एंड सॉल्विंग और आर यू गाइस टेकिंग केसेस एंड सॉल्विंग? बोथ ट्राई किया, दोनों से भी आंसर आएगा ऑफ कोर्स। तो यहां पे ना एक छोटे सा एक कांसेप्ट है, एडवांस कांसेप्ट जो ऑफनली इग्नोर कर देते स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा इसी बहाने इंट्रोड्यूस कर दूं। बेसिकली थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स टाइप का कांसेप्ट है। नाउ m स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा ना, मतलब कैलकुलेशन के साथ साथ से क्या क्या m स्क्वायर कैंसिल होगा ना? बट फिर सर आप बोल रहे थे कि दो वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ पे तो एक ही है। हाँ वो तो मैं बताऊंगा, आर यू आस्किंग मी टू एक्सप्लेन और आर यू गिविंग मी सम इनपुट? नो सर, आई वाज जस्ट आस्किंग। ओके नाउ बेसिकली लेट मी स्टार्ट। tan theta equals to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, ये तो है। tan theta की जगह half लिख दिया और right hand side modulus of 2 minus m upon 1 plus 2 into m, ये तो सबने किया ही है। Now first thing which I want to ask is, are you guys taking cases or are you guys squaring? Squaring कर रहे, okay, fair enough. I'll also do the same, squaring only. Now before that, before squaring, there is, एक सेकंड, ऐसे आएगा squaring में, I am guessing. Yes. Same आ रहा है क्या? किसी का match कर रहे? हाँ. Right hand side कितना आएगा? 16 आएगा ना? हाँ, 16 plus 4 x का 16. Correct, same आ रहा है? Okay. Now there is a new concept here for you guys. It is new to you. अब से आदत डाल लो। अब देखो, 4x is equals to 5x है। 4x equals to 5x है। तो इसमें x का कोई solution है क्या? One. No. You think 4 into 1 is 5 into 1? What rubbish. नहीं. क्या बोल रहे हो? इसका कोई answer नहीं है क्या? X and x cancel कर दिया, 4 equal to 5, दो solution. Is that right? No, sir. No. दो solution होगा. Left वाले x के लिए अलग होगा, right वाले के लिए अलग होगा. क्या बता रहा है? जिनेंद्र के अलावा कोई और बता सकते हैं कि 4x equals to 5x में x का कोई answer है क्या? 4 upon 5x is equal to x. पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो? X into 0 answer है, 4 into 0 is equal to 5 into 0. तो 0 satisfy करेगा. सबसे पहले तो ये fact है, I thought this was an obvious thing, तो clearly it is not obvious. तो I'll elaborate more. तो सबसे पहले अगर कोई factor multiplication में cancel करते हो, तो उस फैक्टर को इक्वल टू जीरो करना चाहिए, स्पेशली व्हेन दैट फैक्टर इज अ वेरिएबल। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों सेट कैंसिल करोगे तो इक्वल टू जीरो करना भूलो मत। अच्छा नाउ सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है इसका पैरेलल, 4 प्लस एक्स इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, तो एडिशन में कैंसिल करके वंस अगेन 4 इक्वल टू 5 नो सॉल्यूशन बोलते हैं, बट इसका भी एक हिडन सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, Now infinity is something which x can't attain. X real numbers oftenly हम discuss करते हैं और infinity is beyond a real number करके हम लोग answers में नहीं बताते हैं. But there are few quantities which can obtain the value of infinity. One of those very few quantities is the slope m. M is a special quantity which can become infinity. M infinity मतलब समझ में आता है क्या? हाँ.
पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जब हम लोग फोर एम स्क्वायर एडिशन में कैंसिल कर रहे हैं, एडिशन में कैंसिल कर रहे हैं, तो वहां पे एक रूट आ जाता है m इक्वल्स टू इन्फिनिटी, m इक्वल्स टू इन्फिनिटी। उसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन को सॉल्व करके m का वैल्यू 3/4 आता है, बट स्टिल मेकिंग इट टू आंसर्स, m इक्वल्स टू इन्फिनिटी और m इक्वल्स टू 3/4। सो ये इन्फिनिटी वाला आंसर इज व्हाट यू गाइस हैव इग्नोर्ड। अगर किसी ने प्लस माइनस के साथ भी किया है तो शायद माइनस के साथ भी m और m कैंसिल हो जाता है, उस केस में इन्फिनिटी आता है। ठीक है, सो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस राइट नाउ। एडिशन में कोई चीज कैंसिल होती है तो उस चीज को इनफिनिटी से इक्वल करना जरूरी है। तो मतलब सर केसेस लेना जरूरी है? केसेस नहीं लेके भी, जैसे कि मैंने बोर्ड पे तो बिना केसेस के ही किया है। हाँ सर, पर उसमें रेक्टिफाई नहीं हो पाया कि एम इनफिनिटी पहुंच रहा है, मतलब उसमें हम लोग फोरम्स को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, फोरम्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो फिर उसको इक्वल टू इनफिनिटी करना है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जीरो हो जाता है तो रूट एक इन्फिनिटी होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? क्या सर? हाँ, मतलब अनडिपेंड हो जाएगा ना रूट का वो पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक है, जीरो m स्क्वायर ऐसा है। सर केसेस याद तो आ रहा है माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल होके फिर लिखने के लिए टाइम चाहिए? नहीं सर, हो गया लिख के सबका। ओके नेक्स्ट, आजकल बार बार तबीयत खराब हो जा रही है यार, पता नहीं क्लाइमेट ऐसा है या। हाँ सर, क्लाइमेट से बहुत हो रहा है, बार बार तबीयत खराब हो रही है, मतलब सर्दी टाइप ही आ रही है, पता नहीं है, बार बार कोविड आ रहा है जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे कभी कभी तो। सर मुझे भी कल खांसी थी, आज ठीक हो गई है पूरी। हाँ वही यार, सर्दी आ रही है मतलब, पता नहीं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब समझो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज बेसिकली अ लोकस ऑफ पॉइंट्स और ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल दू, अगर 0 0 एक पॉइंट है, 1 1 एक पॉइंट है, 2 2 एक पॉइंट है, 3 3 एक पॉइंट है, 4 4 एक पॉइंट है, ऐसे ये सारे पॉइंट्स है। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे, वो विजुलाइज हो रहा है क्या? Yes. सारे के सारे एक लाइन पे लाई करेंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3, दिस इज ए लाइन। ओके, इस लाइन पे लाई करेंगे। अभी लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब एक ऐसा इक्वेशन बताना है कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर x, y है तो x और y उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सारा पैटर्न देख के तुम लोगों को क्या लगता है क्या रिलेशन है? x इक्वल्स टू वाई है। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है x इक्वल टू वाई ओनली, इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू वाई। पहले तुम्हें ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि लाइन का इक्वेशन मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल कंडीशन, दैट कंडीशन इज ओनली कॉल्ड एज द इक्वेशन बिकॉज देयर इज एन इक्वल टू साइन इन बिटवीन। नाउ फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स में विल स्टार्ट वेरी वेरी स्लोली एंड सडनली विल जस्ट स्पीड अप। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो तुम लोग सोच के बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट की क्या खासियत है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज द स्पेशल प्रॉपर्टी दैट द वाई कोऑर्डिनेट हैज टू बी जीरो। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन एज वाई इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई पॉइंट है एच कॉमा के फॉर एग्जांपल और वहां से लाइन पास कर रहा है तो इस लाइन का क्या, लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई, एक्स इक्वल टू जीरो, डज इट मेक सेंस? डू यू थिंक वाई कांस्टेंट रहेगा? वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के, एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो है और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का वाई इक्वल टू के है। What do you fast कर लेते हैं equation of y axis क्या होगा? X is equal to zero. X equal to zero. Equation of line parallel to y axis? X is equal to k. X is constant. Yes, x equals to constant. अगर वो line h comma k से pass कर रहा है तो line will become x equals to constant or h here, x coordinate. Okay, इसको लिख लेना फटाफट, just speed बढ़ा, एक मिनट में लिख लो। ये सब स्कूल में किया होगा but still formality के लिए मैंने बता दिया। चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट दो तीन लेक्चर कितना स्कूल में पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया कंफ्यूजन। ये सब स्कूल में हो चुका है क्या? स्ट्रेट लाइंस? हाँ सर, काफी कुछ। कितने लेक्चर्स में कराते हैं स्ट्रेट लाइंस स्कूल में? चैप्टर ब्रोकन था, लाइक सेक्शन मिड पॉइंट अलग था, बाद में एक क्वेश्चन ऑफ लाइन अलग। अच्छा अच्छा, सेक्शन का अलग, डिस्टेंस का अलग, अलग अलग चैप्टर थे। हाँ, डिस्टेंस साइंस में हुआ था टाइम्स। ओके ओके ओके, लाइक सेक्शन फॉर्मूला कितने कितने दिन में कराते हैं सर? उनको तो क्या खाली फॉर्मूला बता देते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो गया और पांच लेक्चर और फिर वो सेंट्रल। ओके ओके, क्वेश्चन बताते होंगे मार्क्स के लिए। हाँ सर, उसी पे ज्यादा ध्यान रहता है कि अलग स्टेप तो नहीं, डेकोरेशन बहुत करना। हाँ यार, वो स्टेप मार्किंग मेरे टाइम पे भी बहुत इरिटेट होता था कि मतलब बॉक्स में लिखो बिकॉज दिस यूजिंग दिस थ्योरम, मतलब इतने 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 कभी कभी लगता है कि क्या है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे वर्ड्स भी लिखना पड़ता है कि मुझे लगता है कि यार इतना बेसिक भी सर। सिमिलैरिटी एंड वो सब में तो कितना घटिया होता था वो स्टेटमेंट रीजन वाला, वो दोनों डब्बा वाला। हां, और उसमें भी एक 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 पर्टिकुलर इंग्लिश यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा खुद का लैंग्वेज यूज करो तो रॉन्ग हो जाता है वो। हाँ सर, एंड लाइक ये लोग का रहता है कि ये सारा लिखना ही है और ढंग से नहीं लिखोगे तो इतना मिनिमम है, नहीं लिखोगे तो नहीं, लाइक अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस तेरा ऐसा लिखना पड़ता है। अरे पाइथागोरस तो है ही हर जगह। ओके नेक्स्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इक्वेशन ऑफ ए लाइन में लाइन को फिक्स करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? स्लोप एंड स्लोप और एक पॉइंट। अच्छा, एक स्लोप, इफ यू आर गिवन अ स्लोप एंड ए पॉइंट तो लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ स्लोप दिया है तो लाइन फिक्स नहीं होगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? सिर्फ स्लोप गिवन है तो फिक्स नहीं है, बिकॉज वो ऐसे ट्रांसलेट हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है, तो एक पॉइंट भी देना पड़ेगा लाइन को फिक्स करने के लिए। पॉइंट को अगर मैं एक्स वन कॉमा वाई वन मान लू और स्लोप, स्लोप अगर एम है और पॉइंट है हमारा एक्स वन वाई वन, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब क्या ढूंढने की कोशिश है? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एंड व्हाट इज एक्स एंड वाई? एनी पॉइंट, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स, एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो कैन यू गाइस प्रेडिक्ट अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, एक्स वन वाई वन एंड एम? सर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस,
अभी तूने रटा हुआ बता रहा है, सोच नहीं रहा है सर। दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स का क्या y1 माइनस y2 हां स्लोप, इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप कितना होना चाहिए, m होना चाहिए। अच्छा हां सर, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y minus y1 upon x minus x1 be m or y minus y1 equals to m into x minus x1. This is the equation of a line. This equation of a line has been obtained by using a slope and a form, and this is hence this is called as slope point form. Slope point form. Okay. जो स्कूल में किया था, बस हम लोग derive कर रहे हैं इसको. y equals to mx plus c करके किसी ने रटा हुआ बता दिया. Just समझो कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं यार ओम. तो क्या जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो तीनों में क्या रिलेशन रहेगा या लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढना है? y2 minus y1 x minus x1 होना चाहिए, और वही m should also be equals to x मतलब y minus y1 upon x minus x1 also. So both of them have to be equal. So this is the relation between any point x comma y, and this is called as two point form. Okay, just write it down. School में किया होगा, but still हम लोग next class में इसके ऊपर rigorous practice करेंगे. और कौन से फॉर्म्स पता है तुम लोगों को? इंटरसेप्ट वाला फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सर, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यस एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज राइट. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन रहता है? लाइक y स्लोप m रहता है, और y इंटरसेप्ट गिवन रहता है 0, c या तो c. तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. और एक लास्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, वो याद है इनको सर, x बाय a प्लस y बाय a इक्वल टू, यस. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट गिवन है a कॉमा 0, और y इंटरसेप्ट गिवन है 0 कॉमा b. बेसिकली दो पॉइंट्स गिवन है, वो दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इंटरसेप्ट करके बुला रहे हैं. और इसका फॉर्म का इक्वेशन है x by a plus y by b is equals to 1. ये चार फॉर्म से जो भी बोर्ड पे लिखे है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस फोर पॉइंट्स, फोर फॉर्म्स आर फंडामेंटल. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की तुम लोगों को गिवन क्या था, गिवन क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रेस्पेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. हो गया क्या? श्योर.
मैंने मॉड्यूल से कुछ होमवर्क दिया क्या अभी तक? Let me know if you're done. Sure. Done, sabka? Yes. Okay. Homework mein likhna hai, SL honi. Ek second. SLO नहीं, examples 5 dictate करूं चलेगा ना? हाँ सर। examples 5 में question number 1 to 7 examples 5 दिया नहीं ना last time? नहीं दिया सर। 2 दिया। equation of a straight line ढूंढने के questions थे तो दो या नहीं? like slope दिया है, point दिया है, line ढूंढो। हाँ सर। इतना कर सकते हो ना? हाँ, okay. Example 6. Example 6. SL only example 6. Question number 1 to 4. 1, 2, 3, 4. Then 8 and 9. 1, 2, 3, 4. Then 8 and 9. Then exercise 1A. Module say. Module say exercise 1A. Question number 1 to 5, 1A, say question number 1 to 5, all of them, then 7, 10, then 25 to 29, 40. ओके चलेगा, इतना सही होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा मिलेगा। बोलो। हाँ सर, बस अभी भी दे सकते हो? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी रिलैक्स कर सकते हो, नेक्स्ट वीक ज्यादा मिलेगा। ओके, सेल लोनी का रिपीट कर सकते हो? इसका भी क्वेश्चन बैंक, एसएल लोनी का, इसका भी क्वेश्चन बैंक है, बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम है करके, मॉड्यूल बहुत बड़ी है करके। अगर हो गया तो बताना, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट। सर होमवर्क एक बार रिपीट कर सकते हो? एग्जांपल्स, ये मॉड्यूल का है, 1A एक्सरसाइज का जो बोर्ड पे है। फिर एग्जांपल्स 5 से क्या दिया था, 6 से क्या दिया था, कोई बता सकता है क्या? एग्जांपल 5 1 2 7 6 से 1 2 4 8 और 9 ये है पर, ठीक है। This is from SL Loni. Okay. Chalega guys, we'll complete the class for today. Have a nice day.